नमस्कार मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके जन्म कुंडली में नव ग्रह जो है वह हमारी नव अच्छी आदतों की वजह से सुधर सकते हैं, जिसमें आपको जो डेली रूटीन है आपका उसमें आपने सारी चीज़ों को समझना है। तो पहला जो नियम है, आपने नव अच्छी अगर अपनी आदतें बना लेते हैं तो नव आदत आपके नव ग्रह को सम्मान देंगे और आपके नव ग्रह आपके जन्म कुंडली में सुधर जाएंगे। तो पहला जो है, अगर आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो यह निश्चित ही आपके यश सम्मान अगर मुश्किल से भी मिल भी जाता है तो कभी यह टिकेगा नहीं, इसलिए वॉश बेसिन में ही यह काम करे यश, या फिर डस्टबिन में ये काम करे, जिससे आपका यश मान सम्मान में अभिवृद्धि होगी। नंबर दो का जो नियम है, अपनी झूठी थाली या बर्तन वही उस जगह पर आपकी अगर छोड़ने की आदत है तो उनको सफलता कभी भी स्थायी रूप से नहीं मिल सकती। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे लोगों को, ऐसे लोग अच्छा नाम नहीं कमा पाते। अगर आप अपने झूठे बर्तनों को उठाकर उनकी सही जगह पर रख आते हैं तो इससे आपका चंद्रमा और आपका शनि आपका मान सम्मान समाज में बढ़ाते हैं, इससे आपकी मानसिक शांति बढ़कर अड़चने दूर होती है। नंबर तीन का नियम जो है, जब भी हमारे घर में कोई बाहर से आए, चाहे मेहमान हो कोई काम करने वाला हो, उसे स्वच्छ पानी जरूर पिलाए। ऐसा करने से हम राहु का सम्मान करते हैं। जब राहु का सम्मान करते हैं तो जो लोग बाहर से आने वाले लोग हैं उनको हमेशा हमने स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में राहु जनित जो भी कष्ट होता है वह उसका दुष्प्रभाव कभी नहीं पड़ता, अचानक आ पड़ने वाले कष्ट हमारे जीवन में नहीं आते। नंबर चार का जो है, घर में पौधे आपके परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, उन्हें प्यार और थोड़े देखभाल की आवश्यकता जरूर होती है। जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है तो हम बुध और सूर्य साथ ही साथ चंद्रमा का सम्मान करते हैं, तो जिससे इन तीनों ग्रहों से रिलेटेड परेशानियां जितनी भी होती है उनमें हमें सुकून मिलता है, परेशानियां दूर होती है, हमारे माइंड में जो भी निगेटिविटी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये परेशानियां हमको छू नहीं पाती है। तो इसलिए हमारे घर में जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उनको हमने नियमित रूप से पानी देना चाहिए। जो लोग बाहर से आकर अपने जूते चप्पल मोजे इधर उधर फेंक देते हैं उन्हें इनके शत्रु बड़ा परेशान करते हैं, इससे बचने के लिए अपने चप्पल जूते करीने से लगा कर रखें, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। छः नंबर का जो नियम है, उन लोगों का राहु और शनि बहुत खराब होता है जो लोग अपना बिस्तर ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनका बिस्तर हमेशा फैला हुआ होता है, सिलवटें ज़्यादा होती है, चादर कहीं होती है, तकिया कहीं होता है, कंबल कहीं होता है, तो ऐसे लोगों पे शनि और राहु का दुष्प्रभाव होता है। उन पर ऐसे लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े फैला कर रखते हैं और ऐसे लोगों की पूरी दिनचर्या ही अस्त व्यस्त होती है, वह अपनी दिनचर्या उनकी कभी अव्यवस्थित व्यवस्थित हो नहीं सकती है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी व्यवस्था उनकी जो दिनचर्या है वह अव्यवस्थित है तो वो लोग अपना बिस्तर अपने कंबल अपनी चद्दर सही रखे, जब आप उठते हैं तो इनको सही करें, और साथ ही साथ अपने खोले हुए कपड़ों को आप करीने से सजा कर रखें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग तरीके का प्रभाव, अलग तरीके का परिवर्तन आपके जीवन में आना शुरू हो गया है। नंबर सात जो है, पैरों की सफाई। हम लोग हर वक्त हमने खास ध्यान देना चाहिए हमारे पैरों के सफाई पर। हम बहुत सारे लोग जब स्नान करते हैं तो पैरों पे सिर्फ पानी डाल के निकल जाते हैं, इसलिए तो हमने पैरों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। 5 मिनट रुककर मुंह और पैर धोने चाहिए, आप खुद यह पाएंगे कि आपका चिड़चिड़ापन कम होगा, दिमाग की शांति बढ़ेगी, क्रोध धीरे धीरे कम होगा और आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। नंबर आठ, रोज खाली हाथ घर पर नहीं लौटना चाहिए, धीरे धीरे उससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। उन सदस्यों में नकारात्मकता आती है जो लोग शाम में घर पे जब लौटते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं, इसलिए कुछ न कुछ लेते आते रहना चाहिए घर में। नंबर नौ, जूठन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठान ले और एकदम तय कर ले, पैसों की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी अगर आप अपने भोजन में अपने थाली में जूठन नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो मैं नौ उपाय आपको बताया हूँ, यह नौ ग्रहों को खराब होने का खतरा
इससे रहता है। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में समय, पैसा, आनंद, श्री माता पिता का सुख, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएगी। और अपने घर में जो जीवित देवता है वो है हमारे माता पिता और हमारे वृद्ध पुरुष या स्त्री जो भी हमारे घर में है, तो इनका सम्मान अगर आप करेंगे तो आपके इष्ट देव हरदम खुश रहेंगे। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को देखें, इन आदतों को अपने जीवन में उतारें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।